कुछ लोगों ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है, स्पिरिट से देखा जाए तो वो ठीक है, मगर मैं दो तिथियां कहना। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में साइन किया गया, वो कब करा, 27 अक्टूबर 1947 में, और 370 1949 में आई। भारत के साथ जुड़ाव का 370 से कोई लेन देन नहीं है मान्यवर, ये भ्रामक प्रचार किया गया है। मान्यवर कहते कि 370 नहीं रहेगी तो भारत से जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता मान्यवर कैसे अलग हो जाएगा। और मैं घाटी के लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारी रियासतें थी, 370 के बगैर, 35 के बगैर भारत के साथ घुल मिल गई, मगर सबने अपनी अपनी संस्कृति बनाकर रखी। मराठियों ने, महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी, गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी है, तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, तेलुगु राज्यों ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को। 370 कहां से, किस प्रकार से आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। वो प्रोटेक्ट करता है केवल और केवल तीन सियासतदानों के परिवार को प्रोटेक्ट करता है, वो नहीं चाहता। और 370 को पूरे देश के अंदर वोट बैंक का मुद्दा बनाया हुआ, और गुलाम नबी साहब ने कहा कि यहां तो बम फूट गया सुबह, मैंने बम फूट दिया कि 370 ये 33 से ये सब लेकर आया। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता साहब, 1950 से मेरे पार्टी के अंदर हर घोषणा पत्र में के अंदर है कि हम 370 को निकाल देंगे, इस बार भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, भारत के हित में तो नहीं ही है, मगर जम्मू कश्मीर के हित में भी नहीं है, और विशेषकर घाटी के हित में नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं मानता हूं कि 370 तुरंत जानना चाहिए। मान्यवर 1964 के अंदर लोकसभा के अंदर एक चर्चा हुई थी, लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, इसमें राम मनोहर लोहिया जी ने एक बहुत, आपके माध्यम से मैं राम गोपाल जी को थोड़ा याद, लोहिया जी की बात कर रहा हूँ, राम गोपाल, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जब तक धारा 370 है भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता है, एकरूपता नहीं आ सकती है। मधु लिमिया ने कहा, सरजू पांडे ने कहा, एच ए मुखर्जी ने कहा, इंदर मल्होत्रा ने कहा, समनानी ने कहा, अब्दुल गनी कश्मीर के ही मुस्लिम सांसद थे उन्होंने कहा, गोपाल दत्त मैंगी ने भी कहा, श्यामलाल सराफ ने कहा, और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी कहा, सदन को स्थगित कर दिया, उस वक्त भी रूल का भंग हुआ था, सदन को स्थगित कर दिया, दूसरे दिन व्हीप डाला, और व्हीप डालकर कांग्रेस के लोग इसके पक्ष में वोट न डाले इसकी व्यवस्था कर चर्चा हुई, मगर उस वक्त इस देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहना पड़ा, बहुत सारे सदस्यों की भावना है, हम अभी ये उचित समय नहीं है, कुछ ही समय के अंदर इस पर सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे।